भैया और राम राम, आप और देख रहे बुंदेली चुगली चैनल, हमें राजेंद्र त्रिवेदी मचो का है जो, जहां एक तरफ सरकार विकास के दावा कर रही, इतने बड़े बड़े दावा हो रहे कि चहुमुखी विकास हो रहा, भैया भाजपा सरकार है, लेकिन विकास के नाम पे जब देहातन में जाओ, गांव देहातन में जाओ, उते हकीकत खुलत, उते पतो चलत के विकास कैसे हो रहो, कितनो विकास भाव। आज हम 21वीं सदी में पहुंच रहे, कहूँ कोनो गांव में लाइट नहीं है, कहूँ कोनो गांव में सड़क नहीं है, कहूँ कोनो गांव में अस्पताल नहीं है, शिक्षा सड़क स्वास्थ्य जो मूलभूत सुविधा है बावे भी मुयस्सर नहीं भाई, जनता का अबे इस सुविधा को लाभ नहीं मिल पा रहा। बहुत से ऐसे गांव हैं जो बुंदेली चुगली की लाइव परिस्थिति है, हम लाइव खबर चला रहे भैया। जो मामला है घूर मनुरिया, घूर मनुरिया से आई भैया, जब पब्लिक देख लो तना कैमरा घुमा के भैया दिखा दूं कि इनकी परेशानी देखो, कि ऐसे बरसात में जो बूढ़े आदमी जो मताई हरे हमारी, कि कितनी परेशानी उठाने पड़ा इन लोगों का। इनके गांव जावे के लाने सड़क नहीं है, अगर कोनो बीमार हो जाए, कोनो की तबीयत खराब हो जाए, कछु हो जाए तो चारपाई में लेके उखान अस्पताल तक ले जाने पड़ा। तो सबसे बड़ी बात का है कि अस्पताल की भी कोनो पास में सुविधा नहीं है, कि कोनो पास में अस्पताल हुए। अब सोचो कि आदमी कैसी जिंदगी जीवे का मजबूर है, आदमी का जिंदगी जी रहो, लेकिन विकास के जो दावा करे जा रहे केवल खोखलापन, खोखले दावा है, हकीकत में विकास नहीं है। हकीकत में विकास जो अगर विकास करने हैं तो भैया पहले जनता को ध्यान देने पर है। सरकार कोनो हुए वादा करें, नेता जात है, क्षेत्रीय विधायक हैं, राजेश प्रजापति, उनके पहले उनके पिताजी आरडी प्रजापति विधायक रहे, लेकिन सब ये बालू में मस्त रहे, बालू की खदानन में, विकास कहूँ नहीं है। कोनो भी विधायक हो, कोनो नेता हो, सिर्फ वोटन तक जनता के दर्शन, और इसके बाद जनता दर्शन बंद, जनता दरबार बंद, सिर्फ दिखावा चलो। अब भैया इनकी कहानी नहीं कि जुबानी सुनवा रहे हम कि ये कहाँ से आए हैं, क्या समस्या है, भैया कहाँ से आए दादा, का नाम? मनुरिया। क्या समस्या है? रास्ता नहीं आता, रास्ता नहीं है, खांचर है बिल्कुल, बाल बच्चे खपके जाते, कहाँ रोड नहीं है, न कोनो विकास है, चमारनपुरवा धोबनपुरवा कुमारनपुरवा मुसलमान कोई विकास नहीं है वहाँ। कितने आबादी कितनी होती है? आबादी तो बहुत ही कुल ही, हाँ, लेकिन रोड नहीं है बिल्कुल। पहले भी कहूँ सुनाई करो करी है, कोई गए हो आवेदन? कोई नहीं सुनाई कर रहा सर, कोई नहीं सुन रहा। हाँ, विधायक के पास गए, विधायक तो पहले तो क्षेत्रीय विधायक खान सुनाओ, गए हो विधायक के पास? गए हैं विधायक जी के पास, गए विधायक जी ने कहा देखेंगे बस, आगे कुछ नहीं, आश्वासन तो जो है कि जसो आश्वासन को लड़ुआ जनता खा खबाओ जात, हकीकत जा है, आश्वासन को लड़ुआ खबाओ जात, बहुत मीठो खबा लो जात के जाओ बेटा रहो खाओ जाओ, खुद कछु नहीं है। आज ये आए आवेदन देवे के लाने, लेकिन आवेदन की हकीकत हम बता दें कि जो जी आवेदन की हकीकत है, बच्चा पढ़े जा थे, सो किन्हों किताबें बहाया बा थे, गिर पड़ा थे, डूब जा थे, सो बैठाई हन घर में का करन, एक एक दो दो सरकार चलाई है कि एक एक बच्चा एक एक बच्ची है, अब जो पढ़े का भेजा थे तो बहे जा थे, सो बैठे हैं सो पढ़े का नहीं भेजते, गिर पड़ा थे, कहूँ किताबें बहाया बचे, कहूँ पेन बहाया बचे, अपने भेज 50-60 साल से रास्ता ही नहीं निकल रही है, कोई सुनता ही नहीं है वहाँ के लिए कि कोई सुना, क्या करे, गरीब आदमी है, कुछ नहीं है। अगर कोई बीमारी बीमार हो जाए तो कैसे कैसे नहीं आता है। हाथ यह अब मैं हुई है जो खोला रहो, जो चलो गौने लंगर आदमी में कहा यहाँ हाँ वही मर जाते हैं, मराई डरे डरे कहीं कस कर जावत है मराई, बताबा स्थिति है भैया चंदला विधानसभा की, और चंदला विधानसभा की स्थिति सबसे खतरनाक है, कानून व्यवस्था हो चाहे शिक्षा व्यवस्था हो चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था हो और चाहे सड़क व्यवस्था हो, उस क्षेत्र को विकास कहूँ नहीं है, विकास भव ही नहीं है, सिर्फ दावन में कागजन में विकास है। और आवेदन एक जो भी एक सरकार ने बहुत बढ़िया लॉलीपॉप पकड़ा, जनता खान जन सुनवाई हो आवेदन,
आओ आवेदन दे जाओ चले जाओ। वो आवेदन को कछु नहीं हो जो हम सच्चाई बता रहे, वो आवेदन खा ना कोई लेवे वालो है और धोखे धंधे अगर कोई लेवे वालो आ भी जा तो कोई पढ़त तक नहीं है उन्हें फार के फेंक दो जाए। अगर आवेदन में कार्रवाई होती होती तो आदमी का दस दस बार इतने आवे की जरूरत ना पड़ती, हकीकत जा है। और भैया तुम्हें कहा है बताओ समस्या, गांव की समस्या कहा? समस्या सर वहां की ये है कि ना ही तो रास्ता है, और जो है हम लोग शासन में जो है कई बार जो है आवेदन दे चुके, शासन द्वारा जो है हम लोगों को आश्वासन दे दिया जाता है कि आपका काम जो है हो जाएगा, जबकि जो है वहाँ पर ना ही कोई शासन के अधिकारीगण जो है जाते हैं, हम लोग का कई बार जो है बार बार उनको जो है अपनी समस्या से जो है अवगत कराते हैं और हमको आश्वासन दे दिया जाता है कि आप लोग जाइए आपका काम हो जाएगा। और आज की स्थिति ये है सर कि वहाँ कोई बीमार हो जाते हैं तो जो है वहाँ सीधे उनकी जो है डेथ होती है जो है मरीजों की, और यहाँ तक जो है डिलीवरी पीरियड में है तो बहू बेटी को खटोली में रख करके जो है चार छः लोग पकड़ करके और निकालते हैं, और हो सकता है कहीं गिर जाए तो बच्चा और जच्चा दोनों की मौत हो सकती है सर। जो है क्या स्थिति, क्या स्थिति है सर वहाँ की? भैया जो है देखो अपने आदमी मुझसे बता रहे हो स्थिति बेकरार खराब है, बहुत ही ज़्यादा खराब है कि अगर कोई बीमार हो जाए और अस्पताल लेके आने पड़े तो उनमें डबल रिस्क है, कहो गिर गुरु जाए तो जच्चा बच्चा दो ही मर जाए, जैसो कि भी बता रहे। अब इतनी निर्मम स्थिति, इतना निरंकुश प्रशासन जी का बोलत, सिर्फ आप आश्वासन, और अगर ज़्यादा कोनू नेतागिरी कोनू नेता के पास जा रहे तो वो भी आश्वासन, नेतागिरी जा भी चल रही कि भैया चिंता ना करो हम करवा दे, भी वे कह रहे हम करवा दे, लेकिन करवाऊ तो कोई नहीं है। जनता की जा दशा जो है वह वही दशा है, कोरोना काल में जनता वैसे ही मर रही, वैसे ही आदमी भूखन प्यासन मर रहे, बेचारे जैसे तैसे अपनी जान बचाए हैं जिंदा हैं, लेकिन कम से कम शिक्षा स्वास्थ्य सड़क बिजली जो मूलभूत सुविधा है तो जो तो हर गांव में पहुंचो चाहिए। विकास जब ही कहा उसके, जब हर गांव में सड़क हो, शिक्षा की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो, तब वो विकास का हो। लेकिन अगर ये चीज़ें नहीं आ तो तुम्हारो विकास सिर्फ कागजन में चल लो, तुम्हारे मुँह में चल लो, अपनी तारीफ में चल लो, वो सरकार कोनों भी हुए लेकिन विकास के दावा सब खोखले। भैया क्या समस्या है तुम बताओ? हाँ जी सर, ग्राम पंचायत मनोरिजा में चौरनपुर से रास्ता नहीं आ रही है बहुत दिन से कम आज से 70 साल जब से भारत आज़ाद हुआ, जब से वहाँ कोई रास्ता नहीं है। आज की स्थिति में कई दुर्घटनाएँ हो चुकी हैं, न कोई वहाँ जन सुनवाई है, कोई सुनी नहीं रहा सर। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे चंदा पैसा इकट्ठा करके 2-3 ट्रैक्टरों में ले करके यहाँ आए हैं, जब तक हमारी सुनवाई नहीं हो जाएगी जब तक यहाँ से हटेंगे नहीं। और यहाँ से हमने ये भी ठान लिया है कि जब तक अगर यहाँ नहीं सुनेंगे तो हम भोपाल भी जाने के लिए राजी रहे। जी सर, लेकिन हम नहीं अब कहूँ जाए ये यहीं बाल बच्चा लेके यहीं चार डरे डरे मर जाए, जब निकलने के लिए जगह नहीं है तो क्या करेंगे वहाँ जाके गल्ला का तब बैठ बैठ के पैन परत जाते हर पत्थर की क्या होते होते बाल बच्चा है हमारे, जब मर जाए जेत रहा चाहे जो कुछ हो जाए बता बता लाए डरे हैं क्या होता। जब तक रोड ना मिले जो लोग इतने धरना देने जाने, हाँ ये तो हम धरना दे बाल बच्चा लेकर डाय रहे बेचा भूखे प्यासे यही मर जा। जहाँ का विकास नहीं होगा वहाँ विकास कर दे पहाड़ के गिर के, और वहाँ वहाँ का विकास नहीं कर रहे जो है भैया। अब जब चेतावनी सरकार के लाने शासन प्रशासन के लाने हैं कि ग्रामीण एकत्र हैं और उनको कहवो है कि अगर हमारी मांग को निराकरण इतने नहीं हो रहा, कलेक्टर स्तर पे नहीं हो रहा तो हम भोपाल भी जाने पड़े, तो हम भोपाल जे भी भोपाल में भी धरना प्रदर्शन कर भी, लेकिन हम रोड लेके वापस जे भी खाली ना जे भी आश्वासन को लाली पॉप खा के ना जे भी। अब भैया हम वो वीडियो जरूर दिखवा दे रहे का लाइव प्रस्तुति है जा, हम लाइव दिखा रहे समझ खबर खा, तो इसे हम वो वीडियो भी दिखवा रहे आप लोगों का। भैया वो वीडियो दिखवाइयो के पास में है तुम्हारे गाँव के रास्ता को वीडियो, तो वो हम वीडियो भी दिखवा रहे कि रास्ता को का हाल है कैसी रास्ता। भैया वो वीडियो दिखवाओ थोड़ी, तनक शासन प्रशासन की आंखें खोलें, जो जो चश्मा चढ़ो है तो वो चश्मा तना निकले और थोड़ी जो देखें कि शासन कहाँ कितनी व्यवस्था कर रहो, का व्यवस्था कर रहो, सरकार का भी में ध्यान दो चाहिए कि कितनी व्यवस्था कहाँ हो रही नहीं हो रही। अब वो हम लाइव वीडियो भी आप लोगों का भैया दिखवा रहे कि देखो ये गाँव की हालत जाए, भैया जूम करके वीडियो को दिखवाओ, देखो ऐसो पानी भरो है जाहिर रास्ता,
और इतने से हो के आदमी अनखा निकलने पड़े। जो रास्ता है भैया, अब मोबाइल में समझ में कमा है, अब हम दूसरी खबर जब चला भी और ई खबर में हम जब तक बने रहे भी, जब तक इन्हें न्याय न मिले, बुंदेली चुगली बराबर इनको सहयोग करे, हम बराबर इनकी खबरें दिखा भी, मोबाइल में समझ में नहीं आ रहा, दूसरी खबर में देखो बुंदेली चुगली दूसरी खबर लगा है, भूखे प्यासे नाम फिरते हैं। तो भैया जा है घूर मनुरिया से, बुंदेली चुगली की यह लाइव प्रस्तुति है, ग्राम घूर मनुरिया के ग्रामीण है भैया जी, सब भैया ने अब दादा तुम का चाह, सरकार से का मांग है तुम्हारी, वोट तो दे दो, नगर चाहिए, वोट लेवे जा नेता का कान लगे, डोर रोड चाहिए साहब, नहीं वोट लेवे जात, जब तुम आए थे नेता जी है ये राजेश प्रजापति है विधायक है तो का कान लगे, काम होगा फिर काम नहीं होता है, काम नहीं है बस हो जाएगा बस फिर नहीं साहब सुना कहाँ लौट, जय स्थिति है भैया, बाप विधायक रहो अब लड़का विधायक है, लेकिन करो धरो कछु नहीं हो रहा, विकास हो रहा तो सिर्फ अपनों विकास हो रहा, खुद को विकास कर रहे भी का, जब तो चुनाव में पैसा लगत है हार जात तो वो कवर करने पर, तो इसे अपनों विकास तो कर रहे नेता, लेकिन जनता को क्षेत्र को विकास नहीं हो रहा, तो जब बुंदेली चुगली की लाइव प्रस्तुति के माध्यम से हमने आप भैया जब खबर दिखवाई, ये खबर कैसी लगी सब भैया ने कमेंट करके बताइए, फिर हमको कोनो खबर लेके आप लोगों के बीच में हाजिर हो भी, तब तक खिलाने भैया रहो सब जन का माई राम राम।